नासिक औरंगाबाद मार्ग पर होटल मिर्च चौक पर हुए हादसे में एक निजी यात्री बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि 14 से अधिक यात्रियों की जलने से मौत हो गई। हादसे में बस चालक की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि बस यवतमाल से नासिक होते हुए मुंबई के लिए जा रही थी। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। औरंगाबाद रोड स्थित होटल मिर्च चौक पर आयशर ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का डीजल टैंक फट गया। वहीं दूसरी ओर बस ने एक अन्य चार पहिया वाहन को भी टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद बस में विस्फोट हो गया और उसमें आग लग गई। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने बाहर निकलकर मदद की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू कर दिया गया था। जख्मियों को नासिक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल, पालक मंत्री दादा भुसे और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।